मोदी के खिलाफ किया गया जंगी प्रदर्शन। बता दें कि मंडला जिले की आम आदमी पार्टी के गुरुवार 1 जून को चिलमिल चौक और जिला मुख्यालय के मुख्य मार्ग पर रैली के साथ मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ डटकर प्रदर्शन किया गया। पार्टी के जिला सचिव चंद्रगुप्त नामदेव ने बताया कि हाल ही में देश की सर्वोच्च संस्थान सदन भवन के जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संसद भवन के उद्घाटन में देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी को कोई स्थान नहीं दिया गया, न ही आमंत्रण दिया गया, जबकि राष्ट्रीय देश भर के मतदाताओं की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर संसद में जाते हैं, इनका अपमान संपूर्ण लोकतंत्र का अपमान बताया जा रहा है। इस बात की विरोध देश भर में की जा रही है कि उनका अपमान बुरी तरीके से मोदी सरकार ने कर दिया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी भी विरोध के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जनता जनादर्श से अपील भी की है, क्योंकि उन्हें नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं किया गया बुला करके। बता दें कि राष्ट्रपति जी इस नए संसद भवन का उद्घाटन कर दी तो अच्छा रहता और मोदी जी ने किया, इस पर देश भर में बुरी तरीके से चर्चा फैल गई है। इस देश में इस तरह से राष्ट्रपति जी का अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। पार्टी जिला संगठन से पंकज सोनी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध कर रही है कि इस तरह की तानाशाही लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जमकर नारेबाजी मोदी के खिलाफ की जा रही है। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।